यस यस सर। ठीक। तो आज के बाद जो वर्क डन के क्वेश्चंस हैं आपको ऑब्जेक्टिव में जब मिलेंगे, तो इस टाइप से आपको ध्यान से करना है कि कहाँ से कहाँ लेके जाना है बस। तो फाइनल इनिशियल, दैट्स इट। तो अपने आप आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक, याद करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये रिजल्ट एनसीईआरटी में प्रूव करने को आता है, डेज़र्ट डेरिवेशन आता है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, और कंपटीशन के अंदर आप अपने कॉलेज में शायद एडमिशन ना ले पाएं जब तक आप इस क्वेश्चन को किसी कंपटीशन में सॉल्व ना करें। मतलब इसने तो आना ही आना है, डीवी बाई डीआर वाला रिजल्ट। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, 99% चांस है पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीआर किसी ना किसी सेट में आपके पेपर में पड़ा ही होगा, ठीक। तो इसको लगाना इंपॉर्टेंट है, और आज के लेक्चर में बस कुछ नहीं करना, ये रिजल्ट करना है, और इस रिजल्ट के ऊपर, छोटे से रिजल्ट के ऊपर बस अगली शीट हमने करनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, ठीक है यहाँ तक। तो इसके अंदर टू प्रूव ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वी, मतलब वी चेंज हो रहा है तो क्या बोलते हैं, डी वी बाई डी आर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता तो बात अलग है, ये विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। तो डी वी बाई डी आर का मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो मतलब पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो या तो पेपर में आएगा प्रूव दैट ई इज माइनस डी वी बाई डी आर, या फिर आएगा प्रूव दैट, ये देखो ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव ऑफ डी वी बाई डी आर इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पढ़ना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक। तो इसके अंदर ये आपने एक डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मान लें, मान लो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, और आप एक किसी भी चार्ज को मान लो अगेन यहाँ पे लेके जा रहे हो, और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे ले गए डी आर। अब ज़्यादा बड़ा भी लेके जा सकते हो, पर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैंने क्या ली, यहाँ पर स्मॉल ली, तो ये स्मॉल है मान लो, और स्मॉल कितनी है, डी आर। तो मेरी चार्ज की डिस्प्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, थीटा। क्लियर है यहां तक? तो चार्ज की जो डिस्प्लेसमेंट है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। कोई डाउट इसमें? ठीक, जरूरी नहीं है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी लेके जा सकते हो, वो पूछने वाला आपसे बताएगा, पूछेगा कि, या बताएगा क्वेश्चन पूछते हुए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चार्ज जा रहा है, आप चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है किसी चार्ज की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है या एंगल थीटा पे है, तो कुछ भी आ सकता है। तो पहले मैंने स्टार्ट किया, सपोज इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है, तो सपोज ये थीटा है, तो मुझे पता है कि स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में क्या होगा, अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, तो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, माइनस ई डॉट डी आर। मैंने इंटीग्रेशन का साइन यूज नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा बड़े बड़े पॉइंट्स में, पर मैंने डी आर यूज किया तो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैंने इंटीग्रेशन नहीं यूज किया, पोटेंशियल डिफरेंस मेरा छोटा ही आएगा, तो मैंने बहुत तो छोटे पॉइंट्स लिए डी वी, तो ये रिजल्ट क्लियर है। अब यहां पे ई और डी आर के बीच में एंगल कितना है, थीटा। ई में और डी आर में एंगल कितना है, थीटा, तो ओपन किया ई डी आर कॉस थीटा। अब एक काम करते हैं, डी आर को इसके नीचे ले आए तो क्या बनेगा, माइनस डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा। तो आंसर आ गया ई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। पर ये क्या हुआ, प्रूव तो करना था ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ई कॉस थीटा कैसे आ गया। 99% क्वेश्चन में आपको ई और डी आर की डायरेक्शन क्या गिवन होगी, सेम। तो जब ये सेम गिवन होगी तो ई और डी आर में एंगल क्या लिया जाएगा, जीरो। तो कॉस जीरो क्या होगा, वन। तो जब डायग्राम ऐसा बनेगा तो ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि कॉस जीरो क्या हो जाएगा इसमें, वन। तो ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर तब लगेगा जब ई और डी आर इन सेम डायरेक्शन, एक ही लाइन में, राइट। और अगर वो एक डायरेक्शन में ना हुए फिर ये लगाना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हुए पता लगेगा कि वो डायग्राम में ई और डी आर में एंगल थीटा लेगा, अगर लेगा तो ये लगेगा, अगर वो ई और डी आर में एक ही लाइन में लेगा फिर ये लगेगा, ज्यादातर क्वेश्चन में ये लगता है। फिर भी फ्यू ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे आपको कॉम्पिटिशन के अंदर भी जिसमें एंगल बना के देगा, तो फिर वो लगा लेंगे। क्लियर है यहां तक? तो जब पेपर में आएगा प्रूफ करने को तो सारा प्रूफ करते हुए ये लिख देना, अगर प्रूफ भूल गए भाई
मैं तो भूल ही गया ऐसे कैसे करना था प्रूफ, याद ही नहीं आया, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। आप ये रिजल्ट लिख, याद हो गया आपको, आप ये रिजल्ट लिख लें, फिर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये देखो सेम ये रहा क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर ई डी आर कॉस थीटा को लिख लें ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तो होगी डेरिवेशन उल्टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तीन स्टेप में तो ऊपर पहुंच गए, तो रफ में लिखें फिर सीधा करके लिख दें, हो गया प्रूफ। तो क्लियर है, मतलब जो रिजल्ट है उसके अंदर ही इसका प्रूफ छुपा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अपने आप ही आंसर आ जाएगा, क्लियर है। टॉपिक को तो ऐसे हो, ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे करना है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि E इज इक्वल टू माइनर डी वी बाई डी आर, तो हमने किया E इज इक्वल टू माइनर डी वी बाई डी आर में माइनस साइन शो क्या करता है। इसको समझने के लिए एक पॉइंट डिस्कस करना पड़ेगा, ये देखो सपोज आपके पास कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है Q, राइट, ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से बाहर निकलेंगी और दूर जाएंगी कुछ इस तरीके से, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ है, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? तो ये बाहर जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यानी कि कहां पर है, आउटवर्ड्स है, क्लियर है। आप मुझे ये बताओ जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो तो आर की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। अब वी का जो फॉर्मूला होता है 1 by 4 pi epsilon not Q by R होता है, जब R इंक्रीज होगा तो आपका V यहां पर क्या होगा, डिक्रीज। तो एक रिजल्ट बन गया, एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, क्लियर है। तो एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल डिक्रीज। जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन में अब ऐसा पूछ लिया कि एक पॉइंट ये रहा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, फिर अगला पॉइंट है यहां पर 8 वोल्ट है, फिर 6 वोल्ट है, फिर 4 वोल्ट है, एंड सो ऑन। आप पूछेंगे पोटेंशियल लगाया किसने, होगा कोई चार्ज जो पोटेंशियल लगा रहा होगा, वो चार्ज इसमें गिवन नहीं है, बस पोटेंशियल गिवन है। क्वेश्चन है क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लॉट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, इन दी डायरेक्शन जहां पर V क्या होगा, डिक्रीज। तो V कहां डिक्रीज हो रहा है, टूवर्ड्स राइट। तो अगर V इस तरफ जाते हुए अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, डिक्रीज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑब्वियसली इसी तरफ होगी, कोई डाउट इसमें, तो समझ में आ रहा है। तो मतलब अब आपको चार्ज नहीं चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए, अब तो अगर आपको V भी पता होगा ना, तो V की वैल्यूज को देखते हुए आप बता सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी। तो समझ में आया इसका रिजल्ट का फायदा क्या है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये फायदा, समझ में आ रहा है कैसे चेक करनी है डायरेक्शन? यस सर, यस सर। ओके, तो ये एक पॉइंट है राइट। अब दूसरा ये देखो, अगर यहाँ पर दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कुछ पॉइंट्स अगर लिए जाएं इसमें, जैसे ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इन पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल को मेजर करूँ तो ये पोटेंशियल मुझे क्या दिखाई देगा, डिक्रीज, क्योंकि एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहे हैं और पोटेंशियल आपका कम होता हुआ दिखाई देगा, क्लियर है यहां तक? तो मैं आंसर दूंगा कि नेगेटिव साइन क्या जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है, थ्योरी में समझा दिया मैंने कि एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी डिक्रीज। तो कई बुक सीधा लिख देती हैं कि नेगेटिव साइन ये शो करता है इसके अंदर कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाओ, आपका वी क्या होगा, डिक्रीज होगा, पर मजा नहीं आया कुछ। तो इसके अंदर हम एक काम करेंगे, इसके अंदर एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसे सारा कुछ समझ में आएगा आपको। मान लो आपके पास दो पॉइंट हैं, पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, तो ए और बी दो पॉइंट हैं। तो मान लो ये x इक्वल टू टू एक्स एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर दो पॉइंट्स लिए,
तो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स इज इक्वल टू टू, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स इक्वल टू फाइव। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल गिवन है 15 वोल्ट है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल गिवन है 12 वोल्ट है। किसने लगाया, किसी चार्ज ने लगाया होगा, वो चार्ज मुझे दे नहीं रहा, मुझे चाहिए भी नहीं, तो मेरे को दो पोटेंशियल दे दिया। क्लियर है, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट, आपको इस क्वेश्चन में इस डायग्राम को देखते हुए बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ई क्या होगा, ठीक, आपको ई बताना है। अब पहला पॉइंट, अगर आपको ई बताना है और आपको डीवी पता है, डीवी कैसे, आप पोटेंशियल का डिफरेंस तो निकाल ही सकते हो, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ई इज इक्वल टू माइनर डीवी बाय डीआर। मैं आर की जगह एक्स ले रहा हूं क्योंकि सारा कुछ किस एक्सिस पे हो रहा है, एक्स एक्सिस। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्योंकि सारा कुछ एक्स एक्सिस पे हो रहा है, तो मैं लूंगा ई इज इक्वल टू माइनर डीवी बाय डीएक्स। क्लियर है, अगर सारा कुछ वाई एक्सिस पे हो रहा होता तो ई इज इक्वल टू माइनर डीवी बाय डी वाई, और अगर जेड पे हो रहा होता डीवी बाय डी जेड, और अगर एक्स वाई जेड तीनों में हो रहा होता, इलेक्ट्रिक फील्ड 3D में है मतलब कहीं पर भी एक वेक्टर बन रहा है, तो फिर ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, फिर आर हो जाता, आर इज अ पोजिशन वेक्टर जो आई कैप जी कैप और के कैप में होता है, मैं बताऊंगा उसको कैसे करना है। पर एक्स एक्सिस में तो कोई दिक्कत नहीं है, वाई में कोई दिक्कत नहीं है, जेड में कोई दिक्कत नहीं है, और एक्स वाई जेड में आर होगा बाद में देखेंगे, तो इसमें एक्स चल रहा है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम करने जा रहे हैं, आप एक चीज का फैसला कर लो कि आपको ए से बी पे जाना है या बी पे बी से ए पे आना है। अगर आपने ये गड़बड़ कर दी और आपने कहा क्या फर्क पड़ता है, जहां से मर्जी जाओ क्या फर्क पड़ रहा है, तो आप बड़े में से छोटा पोटेंशियल माइनस कर दो, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप एक फैसला कर लो, जैसे मैंने किया, मैं ए से कहां पे जाऊंगा, बी पे जा रहा हूं। तो अगर मैं ए से बी पे जा रहा हूं तो ए मेरी कौन सी पोजिशन है, इनिशियल, बी कौन सी पोजिशन है, फाइनल। क्लियर है यहां तक। तो जब आप ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, और डीवी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या पुट करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल कितना है यहां पर, 12, क्योंकि फाइनल पोजीशन क्या है, 12, इनिशियल कितना है यहां पर, 15, तो फिर मैं क्या करूंगा, 12 माइनस 15। ये स्टेप समझ में आया, क्योंकि आप ए से बी पे जा रहे हैं तो बी आपका फाइनल है, ए आपका इनिशियल है, और आपने यहां पर यूज किया फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। डिस्टेंस में भी सेम रूल है, क्योंकि आप ए से बी पे जा रहे हैं तो फाइनल पोजीशन क्या है, 5, इनिशियल क्या है, 2, तो 5 माइनस 2, फाइनल माइनस इनिशियल। ये स्टेप भी क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें। तो इसके अंदर जब आप एक चीज देखें, जब आप ए से बी जा रहे हैं तो आपका पोटेंशियल इस तरफ जाते हुए क्या हो रहा है, डिक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहां पर है, इसी तरफ, क्योंकि जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होता है ई भी उसी तरफ होता है। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है। तो आप एक चीज बताएं, जब आप इस तरफ जा रहे हैं आपको ई कैलकुलेट करना है, तो आपका डीवी हर हालत में इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ही आएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जा रहे हैं तो आपका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज, तो फाइनल कम मिलेगा, इनिशियल ज्यादा मिलेगा, तो इसका डिफरेंस आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ई भी नेगेटिव आएगा, भाई ई को तो पॉजिटिव होने दो, तो इसलिए यहां साइन क्या लगाया गया, नेगेटिव, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करना शुरू करोगे तो हर हालत में आपका डीवी क्या आएगा, उस नेगेटिव, और नेगेटिव को एडजस्ट करने के लिए आगे क्या लगाया, माइनस। समझ में आया नेगेटिव क्या शो कर रहा है, और क्यों लिखा था कि नेगेटिव साइन का ये सिग्निफिकेंस है कि एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी डिक्रीज, क्योंकि वी डिक्रीज होने से डीवी विल बी नेगेटिव, डीवी विल बी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव ऑटोमेटिकली बिकम्स पॉजिटिव। समझ में आया यहां तक, कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक, अब इधर देखो, तो ये -3 -3 प्लस, आंसर क्या आ गया, 1। अब ये जरूरी नहीं है कि आप ई की डायरेक्शन में ही काम करें, आप उल्टा भी कर सकते हैं। आप ऐसा कर लें, ये देखो, आप डिसाइड करें कि आप कहां से कहां आ रहे हैं, बी से ए, चलो उल्टा चल पड़ते हैं। जब उल्टा चलेंगे और मैं अप्लाई करूंगा ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस डीवी। अब जब मैं बी से ए पे जा रहा हूं तो ये सिचुएशन क्या हो जाएगी मेरी,
फाइनल, और ये क्या हो जाएगी इनिशियल, तो फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा 15, इनिशियल क्या रहेगा आपको कहोगे वो, ये तो पॉजिटिव हो गया, गलत हो गया, नहीं गलत नहीं हुआ, डिस्टेंस, अब वो साइन फाइनल टू इनिशियल, अब देखो ना अब वो काम जो नेगेटिव का इफेक्ट है वो डिस्टेंस ठीक कर देगा, तो आंसर आपका फिर से क्या आएगा 1, तो सही बनाया फॉर्मूला जिसने बनाया, माइनस साइन लगाना सही बनाया, तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? वैसे ये रूल ग्रेविटेशनल के अंदर भी लगा करते थे, वो अलग बात है कि उस टाइम इतना डीप, अगर ऑब्जेक्टिव जिन्होंने किए हों उनको दिखते होंगे ऑब्जेक्टिव के अंदर ये फॉर्मूला दिखेंगे आपको, ई इज माइनस डी वी बाई डी एक्स या डी वी बाई डी आर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, बिल्कुल सेम रिजल्ट अप्लाई होते हैं ग्रेविटेशन के ऊपर, एक भी फॉर्मूला चेंज नहीं है, तो जब आप ग्रेविटेशन चैप्टर अगर आप सीधा भी ट्राई करें, आप जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी पोटेंशियल के न्यूमेरिकल इस चैप्टर की बात करेंगे आपको सब समझ में आएगा वो क्या कर रहा है, रादर आपको इजी लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट तो काफ़ी डिटेल में है, ग्रेविटेशन फिर भी इतना डिटेल में नहीं है, पर आपको समझ में आएगा कि वो एग्जैक्टली कैसे रिजल्ट लगाते हैं इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंसिएशन के। तो क्लियर है यहाँ तक सबको? इंटरेस्टिंग है ये, थ्योरी से हटके एकदम, ये अब वो थ्योरी नहीं है जो हमने की थी दो लेक्चर में, बंदा सोचता पता नहीं कहाँ आ गए, क्या पोटेंशियल की डेफिनेशन भी डेफिनेशन लगाए जा रहे हैं पता नहीं क्या करे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आएगा तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा जैसा भी मैं करा रहा हूँ, तो आप इस पूरे शीट्स को अगली लेक्चर को ध्यान से देखें तो पोटेंशियल का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, और ये खत्म हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, तो नेक्स्ट टाइम भी ये टॉपिक ऑलमोस्ट एक लेवल तक खत्म है और शेल स्टार्ट हो जाएंगे, शेल सेम है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर शेल्स किए थे वैसे ही वी, उल्टा आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो गॉस थ्योरम यूज करके 5 डेरिवेशंस की थी तब ई आया था फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट हुए थे, इसमें वो भी नहीं करना, इसमें एक लाइन में बस फॉर्मूला आएगा और एक लाइन में खत्म, बस एक एक लाइन में वी आएगा और सीधा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे, और शेल प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज डेट क्या होगी 17, 2 दिन और ऊपर हो गया आधे महीने से, बस रह गए 13 दिन रह गए, टोटल 2 महीने खत्म हो जाएंगे ऐसे, तो आप बुकलेट देखो जो आपको हैंड रिटन दी थी 50% क्रॉस हो चुकी है, 50% टप गई है, पता भी नहीं लगा, ऐसा लगता है अभी कोर्स स्टार्ट हुआ था, ऐसी है ना, वैसे करते करते आपको पता ही लगा कि कब 5 किताबें पूरी हो जाएंगी आपकी, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, रोकना नहीं है इसको, बंद नहीं करना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, और इलेक्ट्रोस्टैट्स और इलेक्ट्रिसिटी तक तो खूब जान लगा दो, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद इसी के ऊपर ही अगले चैप्टर चलेंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसके बेस पे ही आगे अपने आप स्मूथ हो जाएगा, मैग्नेटिक्स काफ़ी इजी है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो और इजी चला जाएगा, तो इंटरेस्टिंग भी है उसमें, कुछ अलग ही लेवल है, ठीक है, तो प्रैक्टिस करो प्लीज़, ओके, तो ऑनलाइन वाले कर रहे हैं ना घर पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब प्रैक्टिस? यस सर। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर आपको वो वी दे रहा है, अब देखो उसने कॉन्सेप्ट चेंज ही कर दिया, वो कहता है जी मैं पॉइंट के पोटेंशियल देता ही नहीं, जैसे 12 वोल्ट 15 वोल्ट मैं नहीं देता, वो क्या कहता है मैं वी की वैल्यू देता हूँ कितनी 2x, वी मैं दूंगा कितनी 2x, और क्या पूछ रहा है ई निकालो और वो वेक्टर फॉर्म में निकालो, अब E का V का फॉर्मूला मुझे पता है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, पर बात तो समझ में आ रहा है कि वो x एक्सिस में चला रहा है V, तो मेरा क्वेश्चन किस में चलेगा x में चलेगा, तो E वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूंगा तो माइनस डी वी बाई डी एक्स लिखूंगा, और वेक्टर फॉर्म में पीछे कौन सा कैप लग जाएगा I कैप, तो ये शो करता है कि डायरेक्शन इज अलोंग x एक्सिस, कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक, तो फॉर्मूला समझ में आ रहा है, और अगर ये v 2y होता तो यहाँ पर y होता, यहाँ पर j होता, अगर ये z होता और k
के होता, बाकी सेम है। और अगर ये v 2x प्लस 2y प्लस 2z होता, उसका आंसर मैंने दिया नहीं, उसका आंसर ये है, ये मैं बाद में दूंगा। तो पहले हम पहले एक एक्सिस का काम कर लें, तीन एक्सिस का इकट्ठे बाद में करेंगे, पहले सिर्फ इसको देखते हैं, तभी मैंने छोड़ दिया अभी वो। ठीक, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, v की वैल्यू जो भी है उठा के v की जगह पुट कर दो, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्या आ जाएगी 2x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कॉन्स्टेंट dx पर dx क्या है 1, तो आंसर क्या आएगा माइनस 2i कैप। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर है? तो आपके पास आंसर आएगा उसी तरीके से। अगर यही क्वेश्चन y में होता तो y में कर लेते, क्या दिक्कत है। तो जैसे v की वैल्यू गिवन होती 8y और वो पूछता इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो अलॉन्ग y एक्सिस, तो डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट टू y ये लो, और पीछे क्या आता j कैप, तो e वेक्टर इज इक्वल टू माइनस d बाई डी वाई ऑफ v, v की जगह कितना 8y, क्या j कैप, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस 8 dy बाई डी वाई क्या है 1, आंसर ये j कैप में आएगा आंसर, ये लो, सही है। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब आपको क्वेश्चन v का x में y में और z में तीनों में देगा, पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक डेरिवेटिव सीखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का एक स्टेप सीखना पड़ेगा, टाइप सीखनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेटिव। हमने एक फुल डेरिवेटिव के साथ काम किया आज तक, जितना भी प्लस वन प्लस टू किया हमने फुल डेरिवेटिव, आज हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। आपको कि फ़र्क क्या है, पहले तो सिंबल का फ़र्क है। फुल डेरिवेटिव को ऐसे लिखा जाता है जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लो ये पूरा डेरिवेटिव है। पार्शियल में ये लिखा जाता है, ये पार्शियल का सिंबल है एक्स वाई एंड जेड, तो सिंबल समझ में आ गया, ये फुल डेरिवेटिव ये पार्शियल। कहाँ यूज करनी है, कैसे यूज करनी है बाद में बताऊंगा, पर स्टेप्स क्या है, पार्शियल को सॉल्व कैसे करते हैं और ये फुल डेरिवेटिव से डिफरेंस कैसे है इसका, इसको समझ लेते हैं। तो करें स्टार्ट, तो ये दो क्वेश्चंस हैं। अगर ये कंप्लीट डेरिवेटिव से सॉल्व करना हो तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड टर्म, ये क्या है 1, इसकी वैल्यू ऐसी छोड़नी पड़ेगी, इसकी वैल्यू ऐसी छोड़नी पड़ेगी, क्लियर है, आंसर ये छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। तो जब फुल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन है, तो इसके अंदर एक्स वाई जेड तीनों के तीनों वेरिएबल ही माने जा रहे हैं, तभी तो अगर कॉन्स्टेंट होता आंसर जीरो ना जाता, तो ऐसे छोड़ना पड़ गया। लेकिन अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव का प्रॉब्लम है और आप पार्शियल डेरिवेटिव से इसे ओपन करें, ये लो ये लो, ठीक, तो पार्शियल डेरिवेटिव ये कहता है क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं तो मेरे लिए वाई और जेड वेरिएबल नहीं है, वाई और जेड वो क्या मानेगा कॉन्स्टेंट, तो यहां तो आंसर 1 दे देगा, वो कहेगा मेरे लिए y इज अ कांस्टेंट 0, z इज अ कांस्टेंट 0, ये फर्क है। तो आप जब डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, x के अलावा कोई और वेरिएबल आ जाता है तो फुल डेरिवेटिव उसको 0 नहीं मानता, पार्शियल डेरिवेटिव उसको कांस्टेंट मान लेता है और कांस्टेंट मान के अपना आंसर निकालता है। क्लियर है यहां तक? ठीक, जैसे जैसे सपोज ऑल इन वन, क्लियर है? Yes, sir. ठीक, जैसे d by dx of x into y फुल डेरिवेटिव है और ऐसी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x into y, ठीक है, तो इसका आंसर तो मैं आपको दे सकता हूं x into d by dx of y plus y into d by dx of x, याद है u into v का फॉर्मूला, आंसर उसका आंसर क्या होगा 0, क्योंकि y को क्या मानेगा कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट डिफ्रेंसिएशन इज z, कहा है कॉन्स्टेंट, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट क्या आंसर y होगा, y की 0,
पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ये कहती है कि मैं एक्स को तो वेरिएबल मानूंगा, वाई इज अ कांस्टेंट, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर आ गया तो क्या बचा? कि डिफरेंशिएशन तो होनी नहीं ना, कांस्टेंट बाहर आ गया तो डीएक्स बाय डीएक्स इज, तो आंसर इज वाई, बिल्कुल सही। आप देखो ही मत ना वाई को, वाई को नंबर मान लो, कोई नंबर है जैसे 10 मान लो, 5 मान लो, कुछ भी, वो तो बाहर आ सकता है ना, तो उसने कांस्टेंट को तो ले रहा ही नहीं है, उठा के बाहर कर देगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या फर्क है इन दोनों में? कोई डाउट इसमें ऑनलाइन वालों को? क्लियर है? ठीक, तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि अगर वी की वैल्यू एक्स में, वाई में, जेड में, तीनों में गिवन हो, अगर तो एक्स में गिवन हो फिर तो पता ही है क्या करना है, अगर वाई में गिवन हो तो भी पता है क्या करना है, जेड में गिवन हो तो भी पता, अगर एक्स वाई जेड तीनों में गिवन हो, जैसे ये एक्स में, वाई में, जेड में, फिर क्या लगाएं? ई इज इक्वल टू क्या? माइनस डी वी बाई डी आर। अब प्रॉब्लम ये है, ना एक्स लगेगा, ना वाई लगेगा, ना जेड लगेगा, तो आर लगेगा, लेकिन आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला याद रखें, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स भी आएगा, डी वी बाई डी वाई भी आएगा, डी वी बाई डी जेड भी आएगा, लेकिन किस में आएंगे? पार्शियल में आएंगे। और क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है, तो फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है यहाँ तक? तो इस क्वेश्चन में ये वी गिवन है, आपको क्वेश्चन में वी देगा और आपसे क्या पूछेगा? ई वेक्टर पूछेगा। तो आप क्या करेंगे? आप इसमें इस वी की जगह, आप इसमें इस वी की जगह ये वैल्यू को पुट करेंगे, राइट? इसे सॉल्व करेंगे। आप 2 मिनट कॉपी लें, मेरे सॉल्यूशन को ना देखें प्लीज, एक बार ट्राई करें कि आप पार्शियल लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे, चेक करना प्लीज, खुद लगाएं एक बार। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया ये स्टेप, ठीक है? तो क्या करना है इसमें? आपने इसमें v की जगह और v की जगह वैल्यू पुट कर दी, माइनस साइन नहीं भूलना, माइनस बार लगाना है, लगा रहेगा। फिर उसके बाद डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट की, पार्शियल। देखो डिफ्रेंसिएशन इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसको करने का फ़ायदा नहीं,
क्योंकि पार्शियल में ये इसको कांस्टेंट मान के इसको क्या कर देगा, जीरो। तो सिर्फ 3x को करने का फायदा है, 3x रख लिया। फिर उसके बाद इसको करने का फायदा नहीं, इसको करने का फायदा नहीं, सिर्फ 2y को करने का फायदा है। ऐसे इसमें इसको करने का फायदा नहीं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, और सिर्फ माइनस जेड बचेगा। तो क्लियर है यहां तक? तो आसान हो गया ये। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, 3 को बाहर ले लेना है, dx बाई dx 1 है, 2 को बाहर लेना है, dy बाई dy 1 है, z को बाहर लेना है, माइनस 1 को बाहर लेना है, dz, तो आंसर आंसर। तो क्लियर है यहां तक कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को एक बार प्लीज ट्राई करो, खुद से ट्राई करो एक बार। अगर मान लो क्वेश्चन में, जैसे पिछले क्वेश्चन में है, अकेला अगर एक्स में होगा तो वो कह रहा है कि क्या पार्शियल यूज करेंगे कि फुल, जो मर्जी कर लो आंसर सेम ही आएगा। माइनस डीवी बाई डी एक्स फुल में हो या पार्शियल में हो, अगर सिर्फ एक्स ही वेरिएबल है आंसर सेम आएगा। प्रॉब्लम तब है जब एक्स के साथ वाई कॉम्बिनेशन में होता है, तो इसलिए फुल और पार्शियल सेम आंसर देते हैं अगर सिर्फ अकेले एक्स में डिफ्रेंशिएशन करनी हो, अगर वी सिर्फ एक्स में गिवन हो। देखो इसमें, इस क्वेश्चन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन एक्स वाई प्लेन, वो साफ ही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स में भी और वाई में भी है। तो ई एक्स अलग हुआ, ई वाई अलग होगा। आगे पोटेंशियल ऑफ पॉइंट्स ए बी एंड सी, तीन कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये बी का कोऑर्डिनेट है, और ये सी, प्लॉट कर लोगे ए बी सी। वैसे क्वेश्चन में डायग्राम गिवन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन में नहीं भी गिवन होंगे तो प्लॉटिंग तो आप कर ही लोगे। तो यहाँ पर तीन पोटेंशियल गिवन है, ए पे 4 वोल्ट है, बी पे 16 वोल्ट है, और सी पे 12 वोल्ट है, दे दिया। आपको इस डायग्राम को देखते हुए बताना है कि ई की वैल्यू क्या है, नेट ई कितना है, एक्स में भी होगा और वाई में। तो एक काम करेंगे, पहले एक्स में सॉल्व करेंगे, फिर वाई में करेंगे, फिर दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर लेंगे। तो कैसे, जैसे सपोज आप एक काम करो, एक्स में चलते हैं, एक्स में या तो बी से ए की तरफ चल पड़ो या ए से बी, कोई एक फाइनलाइज कर लो। तो मैं नॉर्मली हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता हूं, तो 16 से लेके 4 वोल्ट पे आ रहे हैं, तो हायर से लोअर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ई एक्स, वो कहां से कहां होगी, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स इस तरफ होगा, और ऐसी यहां पर 12 से 4, तो वाई एक्सिस में 12 से 4 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा, नीचे की तरफ होगा। तो डायरेक्शन तो साफ पता लग रही है कि एक्स में डायरेक्शन कहाँ होगी और वाई में कहाँ होगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। तो अगर हम बी से ए पे चलते हैं, बी से ए पे, तो बी से ए पे चलते हैं,
तो ये क्या बन जाएगी आपकी फाइनल पोजीशन, ये क्या बन जाएगी आपकी इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक्स एक्सिस में लगा लेते हैं फॉर्मूला माइनस डीवी बाई डी एक्स। डीवी तो फाइनल पोटेंशियल कितना है 4, इनिशियल कितना है 16, तो 4 माइनस 16, क्लियर है, माइनस लग रहे दो, तो क्लियर है यहां तक, ये स्टेप क्लियर है। और कोऑर्डिनेट में एक्स में देखो, एक्स के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट लेना बस, ये देखो बस ये, तो ये फाइनल कोऑर्डिनेट और ये इनिशियल, तो क्या आएगा 2 माइनस -2, क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है यहां तक। तो पोटेंशियल डिफरेंस में फाइनल इनिशियल, एक्स में फाइनल इनिशियल माइनस टू के साथ देना है, 2 माइनस -2 बिकम्स 4, टोटल डिस्टेंस तो 4 है ना, तो क्लियर है यहां तक। तो आपके पास सॉल्व करके क्या आ गया, ई ऑफ एक्स आ गया। अब ई वाई में चलते हैं, तो वाई में चलो मान लेते हैं मैं यहां से सी से ए पे आता हूं, तो ए बिकम्स फाइनल, सी इज इनिशियल, इनिशियल तो फाइनल 4, इनिशियल कितना 12, तो क्या आएगा 4 माइनस 12, तो डिस्टेंस में वाई डिस्टेंस लेना है अब वाई, तो 2 माइनस 4, तो स्टेप क्लियर है। तो सॉल्व करके क्या आएगा, ई ऑफ वाई आएगा, ई ऑफ एक्स आ गया, ई ऑफ वाई आ गया, तो नेट ई क्या होगा वेक्टर फॉर्म में, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। तो ई ऑफ एक्स पता है, ई ऑफ वाई पता है, ई ऑफ वाई नेगेटिव में ही आना था कि वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, आंसर। और अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले वैल्यू बताओ ई की नेट क्या वैल्यू है, तो नेट वैल्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आंसर क्या आएगा आंसर। तो वेक्टर फॉर्म में भी आ गया और स्केलर में भी आ गया, कोई डाउट इसमें, क्लियर है। तो कैसे लगेगा ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स, समझ में आ रहा है सबको, बी और सी में, बी और सी में जरूरत नहीं है, आप लगा सकते हो, पर उसमें क्या प्रॉब्लम है, आप लगाओगे कैसे, E इज इक्वल टू क्या माइनस डीवी बाई डी एक्स, नो, डीवी बाई डी वाई नहीं, डीवी बाई डी आर, फिर आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर को तोड़ते रहना एक्स और वाई में, फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आंसर तो इससे भी आएगा, पर ये ज्यादा बेटर नहीं है अलग अलग करना। फिर से अगर वो ये जो पोटेंशियल्स हैं ड्यू टू एनी गिवन चार्ज है, वो चार्ज तो पता नहीं, पर वो स्पेस में पोटेंशियल ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि ये वैल्यूज दे रहे हैं, तो हमने इसके अलोंग एक्स के अलोंग ई एक्स निकाल लिया, ई वाई निकाल लिया, तो इसके अलोंग हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सीधा ई, एक्स वाई प्लेन में ई, तो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें, ऐसा नहीं कि इनको यूज नहीं किया जा सकता, यूज किया जा सकता है। पर क्यों करें, यहां का पोटेंशियल और यहां के पोटेंशियल से देखो, आपको इस स्पेस में होगा क्या कि आपको ना एक्चुअल में तो और भी पोटेंशियल गिवन होंगे, ये देखो जितने मर्जी ले लो, हजारों करोड़ों हैं, उसने 3 दे दिए कोई भी रैंडम उठा के, तो मैं इन दोनों को यूज करके ई निकाल सकता हूं, तो मैं उसको यूज क्यों करूं, किसी चार्ज ने ये सब पोटेंशियल लगा रखे हैं, तो मेरा काम इससे चल गया खत्म, मेरा काम इससे चल गया खत्म, ऐसे तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इनके साथ साथ करूंगा क्या, आंसर तो सेम ही आएगा, वो दे नहीं रहा वो पॉइंट्स, वो बेसिकली यहां पर तो 2 पॉइंट दे रहा है, वो देने को तो 10 पॉइंट दे देगा, वो देने को यहां पर और सारे पॉइंट दे देगा, तो ये नहीं है कि इनको भी यूज करो, इनको भी यूज करो, ये कोई चार्ज थोड़ी ना है, ये सुपर पोजिशन थोड़ा यूज करेंगे कि सभी के पोटेंशियल को यूज करके आंसर निकालूंगा मैं, एक चार्ज है जिसने हर जगह पोटेंशियल निकाल लिया, हर जगह पोटेंशियल निकालने पे तो मैंने उनके कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लिए, उन 2 पॉइंट से मेरे पास वैल्यू आ गई, क्योंकि ई इज कॉन्स्टेंट, ऐसा तब चेंज होता जब ई वेरिएबल होता, इसमें तो ई कॉन्स्टेंट है, आप किन्हीं भी 2 पॉइंट में देख रहे हो ई की वैल्यू क्या आ रही है, 3 ही आ रही है, चेंज तो हो नहीं रही, तो मैं इन 2 पॉइंट से काम चला रहा हूं, मैं और पॉइंट क्यों लूं, हाँ ये तब आएगी जब कॉन्स्टेंट है, अगर कॉन्स्टेंट नहीं होगी फिर ऐसा रिजल्ट लगेगा नहीं, ऐसा फिर तो हर 2-2 पॉइंट पे लगाना पड़ेगा ना, फिर तो इंटीग्रेशन से आएगा जो आएगा, फिर कंबाइन कर दिया,
अगर करेंगे, लेकिन करेंगे क्या, डी आर क्या पुट करोगे, कैसे लगाओगे फॉर्मूला, चेक ट्राई कर लो, कर सकते हैं, हाँ ऐसे ही होगा, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। आप पार्शियल करोगे, आप पार्शियल क्यों करोगे जब बिना पार्शियल के काम ही चल रहा है, बात तो ये है। अच्छा मैं आपको पार्शियल का थोड़ा आपके स्टाइल में क्वेश्चन देता हूँ, ये लो, आपको समझ में आ जाएगा, ये लो। हम एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपके इस पॉइंट पे आते हैं। हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, उन क्वेश्चंस में मैंने आपको वी दिया, चाहे एक्स की फॉर्म में, चाहे वाई की फॉर्म में, चाहे जेड की फॉर्म में, चाहे एक्स वाई जेड की फॉर्म में, और मैंने आपसे क्या निकालने को कहा, ई निकालने को कहा, तो आपने डिफ्रेंशिएट के आंसर निकाल दिया, चाहे फुल डिफरेंस या पार्शियल आंसर आ गया, राइट। अब मैं उल्टा करता हूँ, चलो उल्टे में मैं आपको अब ई दूंगा और क्या पूछूंगा, वी निकाल लो। अब ये तो उल्टा हो गया, उल्टा कैसे हो गया कि अगर मैं आपको फॉर्मूला में ई इज इक्वल टू माइनर डी वी बाई, जैसे डी एक्स है, मैं वी देता हूँ ई आ जाता है, लेकिन जब मैं ई दूंगा तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ई की वैल्यू लेके क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस वी निकालना पड़ेगा, और डी वी से वी कैसे आएगा, बाई इंटीग्रेशन। तो यानी कि वी गिवन है और ई निकालना है तो डिफ्रेंसिएशन, ई गिवन है और वी निकालना है तो इंटीग्रेशन। तो अब हम उल्टा काम करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशंस। तो इंटीग्रेशंस में आपको क्वेश्चन कैसे गिवन होगा, आपको कहेगा ये ई वेक्टर ले लो, ई वेक्टर ले लिया, दे दिया ई वेक्टर, आपको कहेगा कि वी ऑफ ए बी निकालो, यानी कि कोई दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए पॉइंट है और एक पॉइंट बी पॉइंट है, और आपको ए और बी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है, ठीक। और क्या गिवन है, व्हेन चार्ज इज टेकन फ्रॉम, एक चार्ज को उठा के रख रहे हैं कहां से कहां, आर ए से लेके आर बी, दो पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, आर ए वेक्टर एंड आर बी वेक्टर, क्लियर है यहां तक। तो आर ए वेक्टर से आर बी वेक्टर तक किसी चार्ज को लेके जा रहे हैं, तो आपको क्या निकालना है इसमें, उनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है, राइट, ठीक है। अब v ऑफ ए बी और v ऑफ बी ए में डिफरेंस क्या है, एक फॉर्मूला पहले बना लेते हैं। जब भी लिखा जाएगा v ऑफ ए बी, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है वी ए माइनस वी बी, आप वी बी माइनस वी ए मत निकालना, माइनस साइन का फर्क आ जाएगा। तो v ऑफ ए बी का मतलब है v ऑफ ए माइनस वी ऑफ बी, तो v ऑफ ए बी का मतलब v ऑफ ए माइनस v ऑफ बी, और v ऑफ बी ए का मतलब वी बी माइनस वी ए, तो ये क्लियर है। तो आपको क्वेश्चन पूछने वाला ये नहीं बताएगा वी ए माइनस वी बी निकालो, v ऑफ ए बी दे देगा बस। तो आपको रीड करना आ गया, v ऑफ ए माइनस v ऑफ बी, v ऑफ बी माइनस v ऑफ ए, राइट, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, तो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर, ये फॉर्मूला हमने किया। अभी इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूं, ये तो आप लिख ही लोगे, देखो आप इसमें ये तो आपने लिखना सीख ही लिया, वी ऑफ ए बी ये आपको वैसे लिखना आता है। अब लिमिट्स कैसे लगेंगी, जब मैं लिखता हूं वी ए माइनस वी बी, तो इसका मतलब कि ये कौन सी पोजिशन है, फाइनल, और ये क्या है, इनिशियल, इसका मतलब फाइनल पॉइंट क्या चल रहा है इसमें, ए, इनिशियल क्या चल रहा है, राइट, ठीक है यहां तक। जब हम कभी भी इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगाते हैं तो लिमिट में हमेशा यहां पर क्या लगाया जाता है और यहां पर क्या लगाया जाता है, लगाएं, इसमें इनिशियल कौन है, बी, तो लिमिट किसकी लगेगी, आर बी, और फाइनल किसकी, आर ए बी से। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है, यस सर। फिर से एक बार, जब वो कहेगा वी ऑफ बी ए निकालो, वी ऑफ बी ए को ब्रेक करके लिख लोगे, तो इसमें ये क्या पॉइंट है, फाइनल, और ये क्या है, इनिशियल, तो फाइनल का मतलब बी, इनिशियल का मतलब ए, राइट। अब लिमिट, इनिशियल लिमिट में यहां पर क्या लगेगी, इनिशियल, इनिशियल में कौन है, ए, आर ए, और फाइनल में क्या है,
आर भी। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कई लोग याद भी करते हैं जिनको नहीं समझ में आता, बुक्स पढ़ते हैं पता नहीं क्या लिखे जाता है, वो कहते हैं याद कर लेते हैं कि वी ऑफ ए बी में ए पहले बी बाद में, बी पहले ए बाद में, मतलब बी ए ए बी। कैसे कर लो यार, समझ के करना है समझ के कर लो, ऐसे करना है ऐसे कर लो, अल्टीमेटली लिखना आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो मेरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये ई वेक्टर गिवन है, आर ए वेक्टर, आर बी वेक्टर गिवन है, और मुझे पोटेंशियल डिफरेंस वी ऑफ ए बी निकालना है। वापस आ जाते हैं, वी ऑफ ए बी की डेफिनेशन मैंने लिख ली, वी ऑफ ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बी आर बी से आर ए तक। अब एक काम करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। ई वेक्टर मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो ई वेक्टर को मैंने यहाँ पे लिख लिया, जो भी ई वेक्टर गिवन है मैंने पुट कर लिया। डी आर वेक्टर, डी आर वेक्टर, डी आर वेक्टर को ब्रेक कर लिया क्योंकि ये एक्स वाई जेड में चल रहा है, तो इसकी जो डी आर वेक्टर है डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, ये भी क्लियर है? ठीक। लिमिट्स, लिमिट्स में आर ऑफ बी से लेके आर ऑफ ए। अब लिमिट्स में आपको गिवन है पोजीशन वेक्टर, तो आप क्या करेंगे, आप इनके कोऑर्डिनेट्स लेंगे, ये कोफिशिएंट्स लेंगे सॉरी। तो आई का कोफिशिएंट क्या है? टू। जे का क्या है? वन। के का क्या है? माइनस टू। वन माइनस टू वन, क्लियर है? तो आप चेक करें लिमिट्स में, लिमिट्स के अंदर जहां लगा हुआ है आर बी तो वहां बी के कोफिशिएंट्स लिख दिए, जहां लगा हुआ है आर ए वहां ए के कोफिशिएंट्स लिख दिए। क्लियर है? क्योंकि हमने इतने बड़े बड़े कोऑर्डिनेट्स या इतनी बड़ी बड़ी इंटीग्रेशन नहीं की, मतलब ये एक एक तो ठीक है, एक लोअर एक अपर, तीन तीन इकट्ठी चलेंगे, कोई टेंशन नहीं, आप लिख लो यहाँ पर। तो अब आप आए को आए के साथ मल्टीप्लाई करोगे डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आएगा? टू डी एक्स थ्री डी वाई फोर डी जेड। तो ये टर्म आ गई विद लिमिट्स, ये रही। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे एक चीज बताओ, जो इंटीग्रेशन होती है तो इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स क्या होती है? एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ टू डी एक्स क्या होती है? टू बाहर आ गया तो वन डी एक्स, तो क्या आएगी? टू इंटू एक्स, यही रूल है। तो देखो इंटीग्रेशन करनी है इसकी, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड टर्म। तो पहली टर्म की इंटीग्रेशन क्या आएगी? टू बाहर आ जाएगा, वन डी एक्स की एक्स, टू एक्स। इसकी करेंगे तो थ्री वाई, इसकी करेंगे फोर जेड। लिमिट्स वैसी लगती जैसी हैं, क्लियर है? और लास्ट स्टेप है लिमिट्स पुट करनी है, तो लिमिट्स ऐसे पुट करनी है, एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल्स हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई और ये जेड। तो एक बार एक्स की जगह वन, वाई की जगह माइनस टू, जेड की जगह वन कर दिया। दूसरी बार एक्स की जगह टू, वाई की जगह वन, जेड की जगह माइनस टू। ये देखो ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, और दोनों को क्या कर दिया? माइनस आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती नहीं है, वैसे एक आध ऑब्जेक्टिव के अंदर गिवन है, एक आधी गिवन है। एनसीईआरटी लिख लो, नॉट फॉर एनसीईआरटी, कुछ नहीं आना एनसीईआरटी में ऐसा, नॉट फॉर एनसीईआरटी। ऑब्जेक्टिव आपको दिखेगा, जो भी आप ऑब्जेक्टिव बुक्स करेंगे उसमें एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा। और ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे यार मैं क्या सोचूंगा पता नहीं क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, आपको लिखना आ गया ना। डी आर में तो हर वक्त ही ये पुट करोगे, इसमें तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं। आर बी आर ए के नंबर तो कोफिशियंट चूज कर ही लोगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ई वेक्टर आपको चेंज कर करके देता रहेगा, तो ये पुट करके डॉट प्रोडक्ट चेंज करके बाकी एवरीथिंग विल रिमेन। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? यस सर, ठीक।
ये लो v ऑफ b ए निकालो क्या होगा, e वेक्टर दे दिया मैंने आपको, v ऑफ b ए निकालना है, और r वन वेक्टर दे दिया, r ए दे दिया, r भी दे दिया, थ्री की माइनस थ्री माइनस माइनस टू माइनस टू, ओके पता नहीं, चलो तो इसमें वी ऑफ बी ए निकालना है, वी बी माइनस वी ए होता है, बाय डेफिनेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर होगा, और क्योंकि ये फाइनल ये इनिशियल तो आर ए से लेके आर बी तक होगा, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट माइनस ई वेक्टर की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, कहाँ से कहाँ तक, आर ए, ए का मतलब कोफिशेंट 2, 1, -1 और फाइनल कोफिशेंट 1, 1, 2, क्लियर है। तो इसको जब इसका प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा डी एक्स, एक क्या आएगा डी वाई, और लास्ट क्या आएगा डी जेड, लिमिट वही 2, 1, -1 और 1, 1, 2, यहाँ तक सबको क्लियर है। इसको ब्रेक करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, 1 dx की इंटीग्रेशन क्या होगी x, तो x, फिर नेक्स्ट की y, नेक्स्ट की z, कहाँ से कहाँ तक, 2, 1, -1 से लेके 1, 1 एंड 2, ऑनलाइन वालों को क्लियर है, ठीक है। यस और लास्ट यस में, लास्ट में बस लिमिट्स पुट करनी है, कि एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट यानी कि 1 + 1 + 2 माइनस एक बार लोअर लिमिट 2 + 1 - 1, कितना आंसर आ रहा है, -2 आंसर। मेथड अच्छा, माइनस साइन साथ चल रहा है, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, अब -2, ओके हाँ क्या कह रहे हो, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है, यस सर ठीक यस सर।